फुटबॉल के खेल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये खेल हमें ज़िंदगी के साथ कदम ब कदम चलना सिखाता है, अपने लक्ष्य को भेदना बताता है और किसी भी मिले हुए मौके को हाथ से न छोड़ने का सबक देता है। एक पल में निर्णय लेना होता है कि आगे क्या करना है। अगर निर्णय सही हुआ तो जीत और अगर गलत हुआ तो हार। शाबाश, कल मैच है, कल थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं तुम्हें मैच से पहले कुछ जरूरी टिप दूँ, ओके? कहाँ जा रही? घर जा रही हूँ। रुको, थोड़ी देर बाद मैं छोड़ दूंगा। नहीं, बहुत लेट हो गया, फिर कभी चल। अरे रुको, मैं छोड़ दूंगा। अरे हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं तुम्हारा, तुमको नहीं मालूम है लड़का लोग कितना खराब है, ये हमको मालूम है। तुम्हारे उम्र की लड़की किसी के भी झांसे में आके कोई भी गलत कदम उठाती, और इधर गोवा में आए दिन किसी ना किसी बीच पे किसी लड़की का लाश मिलता है, न तो किसी होटल में। समझ में आता है तुमको? राधिका, तुम क्यों नहीं बोलता लड़की को? आप शांत हो जाओ, तुमको मालूम है ना तुम्हारे अप्पा को पसंद नहीं है, तो क्यों नहीं मानती उनकी बात? जाओ, जाके कपड़ा चेंज करो। अधिका, ये लड़की लोग को समझाओ, ना तो किसी नाक कटाएगा ये। चिन्मय, चलो। आज तुम क्लास छोड़ दोगी? हाँ तो और क्या करूं, मैच तो आज ही है ना मेरा। अगर अप्पा नाराज हो गए तो? पर अप्पा को बोलेगा कौन? मैंने तो अम्मा को भी नहीं बताया, और तू भी नहीं बोलना, ठीक है? सच? हाँ, और सुन, अगर कुछ भी हो तो तुम बोलना। हाँ ठीक है, ठीक है, अप्पा को मत बताना। हाँ हाँ, और उसके बाद बोल जाओ। अन्ना पैर हटाओ, जाना है हमको। मैं अप्पा को बोल दूंगी, हटाओ। आ जाओ। We'll be right back.
सुप्रिया। अप्पा, चुप चुप चुप। आई अप्पा। सुप्रिया। आई अप्पा। क्या कर रहे तुम दोनों? अप्पा वो मैं शिल्पी को होमवर्क करा रही थी। हाँ अप्पा, दीदी होमवर्क करा रही थी। बेटा इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ा करते। थोड़ा टाइम निकालो और अम्मा का हाथ बटाओ। हाँ जी अप्पा। सुप्रिया जी आप अप्पा। सुप्रिया बेटा तुम अप्पा को बताया नहीं कि तू फुटबॉल खेलता है? हमको न्यूज़पेपर से मालूम पड़ता है कि हमारे घर में इतना बड़ा टैलेंट है। हाँ बेटा हमको बहुत नाज है। तुम ऐसे अप्पा का नाम रोशन करो। हाँ बेटा हम पेपर में पढ़ा कि वो तुमको ट्रॉफी मिला। यस अप्पा। किधर है ट्रॉफी? ऊपर है। ऊपर ऊपर रखा है? अप्पा को नहीं दिखाएगा? जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ जल्दी। लाता है अप्पा। जल्दी लाओ। यहाँ पर रख दो। नाम? सुप्रिया दयानंद छेत्री। उम्र? 15 साल। कद? 5'2" साहब। गोरी है मेरी बेटी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है सेंट पीटर स्कूल। मोबाइल नंबर? मोबाइल नहीं है उसके पास। सुबोध, ये मनोज पराड़ की पेशी कब है? सर्कल है। इनका क्या? इनकी बेटी लापता है, सुप्रिया छेत्री। कब से लापता है? सुबह। सुबह जब उसके कमरे में गए तो वो कमरे में नहीं थी। सुप्रिया बेटा। दीदी। या? दीदी सुप्रिया। दीदी सुप्रिया। सुप्रिया दीदी। सुप्रिया सुप्रिया कमरे में नहीं है। वो ऊपर नहीं है। या? कहीं भी नहीं है। आस पड़ोस दोस्तों के पास रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ की? पास में उसकी दादी रहती है पर वो वहाँ नहीं है। हेलो अम्मा। अम्मा सुप्रिया आई है आपके यहाँ? नहीं बेटा यहाँ तो नहीं आई। पर हुआ क्या? माफ कीजिए बेटी 15 साल की, इसलिए पूछना पड़ता है कि उसका किसी के साथ अफेयर था। कैसी बात करते हैं आप? देखिए पूछना पड़ता है। वैसे आप करते क्या है? मेरा कपड़े का गारमेंट का बिजनेस। वहां किसी के साथ दुश्मनी है आपकी? हाँ है। मेरा वो मार्केट में जो गारमेंट का शॉप है उसके बाजू में नरसिंह मोरे मेरा पड़ोसी है, उसका नजर मेरा शॉप पे है। वो दुकान खरीदना चाहता है तो उसने गुंडा लोगों को भेजा उस दुकान खाली करने के लिए, पर मैं टच से मस्त नहीं हुआ। तो आपका कहना है कि नरसिंह मोरे ने दुश्मनी निकालने के लिए आपकी बेटी को किडनैप किया? मैं ऐसा नहीं बोला। आपने पूछा दुश्मनी है तो बताया बस। आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे आपकी बेटी से बात करनी। वो क्या बताएगा? जो पूछना है हमसे पूछो आप। मिस्टर दयानंद प्लीज बाहर रुकिए। बेटा डरो नहीं, तुम्हें पता है दीदी कहाँ गई है? हाँ
हाँ ठीक है ठीक है। संजू ये कौन है? संजू मोरे अंकल का बेटा, अप्पा ने जिसके बारे में आपको बताया था। दीदी और संजू की अच्छी दोस्ती थी क्योंकि वो भी फुटबॉल खेलता था। क्या दीदी संजू के घर जा सकती है? नहीं सर, वो दीदी संजू के घर नहीं जा सकती क्योंकि सुप्रिया सुप्रिया मेरी बात तो सुनो सुप्रिया। अरे सुप्रिया एक मिनट बात सुनने की कोशिश कर। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि संजू तुम मुझे तंग मत क्या करो, समझ नहीं आती तुम्हें? आई नो बट मत क्या करो सुप्रिया। अरे सुप्रिया तेरा उस संजू के साथ झगड़ा हुआ है क्या? हुआ होगा, प्यार में हेट भी तो जरूरी है। शट अप यार, संजू और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं। तू उसी के साथ क्यों स्कूल में फुटबॉल खेलती है? स्कूल में और भी तो लड़के हैं। क्योंकि वो अच्छा खेलता है समझे तुम लोग, और प्यार भी तो करता है। संजू यहाँ आना। हाँ? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था तो मैं अभी सबको क्लियर कर देती हूँ कि तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हो गया सबको क्लियर? अब मैं जाऊँ? चल सुप्रिया। बेचारा उस दिन संजू दीदी पे बहुत गुस्सा था। और कोई बात? दीदी जब भी परेशान होती थी वो दादी से बात करती थी। एक बार वो घर छोड़ के दादी के पास गई थी। ये दीदी घर से क्यों भाग कर गई थी? अप्पा ने दीदी को किसी लड़के से फोन पे बात करते हुए पकड़ लिया था और गुस्से में उनका फोन तोड़ दिया था। इसी वजह से दीदी दादी के पास चली गई। ठीक जाइए। सुप्रिया की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, सारे हॉस्पिटल और मॉर्ग रूम भी चेक कर लेना। ये सबसे पहले हमें संजू मोरे और दादी से बात करनी होगी। सर 15 साल की नाबालिग स्कूल छात्रा सुप्रिया शेट्टियार के लापता होते ही पुलिस हरकत में आ गई और बिना समय नष्ट किए तहकीकात शुरू कर दी। नरसिंह मोरे? जी हाँ सर, मैं ही हूँ। दयानंद शेट्टी को जानते हो? वो सामने ही रहता है सर, मार्केट में हमारी दुकान आसपास है। क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है? उनकी बेटी सुप्रिया गायब है। क्या सुप्रिया गायब है? जी, पर हमने सुना है कि आप दोनों का आपस में झगड़ा है। एक्चुअली एक बार हुआ था साहब। देखो मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, कारोबार बढ़ाने के चक्कर में मैं उसकी दुकान खरीदना चाहता था। जब ये ऑफर लेके मैं उसके पास गया तो सर वो गाली गलौज करने लगा। सर अगर वो समझता है कि ये कारण से मैं उसकी बेटी गायब कर सकता हूँ तो मैंने आज तक ऐसा घटिया इंसान नहीं देखा। तो मैं कारोबार और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। तो मेरा बेटा संजू और उसकी बेटी सुप्रिया एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। संजू इस वक्त कहाँ है? सर घर पे। सर वो सुप्रिया, सर वो तो स्पोर्ट्स में बहुत खराब थी, लेकिन हमारे स्पोर्ट टीचर है ना राजीव सर, उन्होंने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा था। और लड़कियों का क्या है सर, कोई भी सर पे चढ़ा देता है, चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो। सुप्रिया है कहाँ? सर ये मुझे कैसे मालूम होगा? सर सिर्फ मैं अच्छा दोस्त था उसका, आप तो इसे पूछ रहे जैसे मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था। सर मैं तो कहता हूँ इधर उधर पूछने से अच्छा आप सीधे जाके स्पोर्ट्स सर से मिलिए, काफी क्लोज थे सर दोनों। ये रहा बॉल, ठीक है, ये तुम्हारा पैर यूं आया, ठीक है, हाँ ये यहाँ पे। और किक। वेल डन।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की खेल कूद में भाग लेती है। अब जमाना बदल रहा है, इसीलिए जब मैंने सुप्रिया को देखा तो मुझे उसमें भविष्य की एक ऐसी खिलाड़ी दिखी जो शायद आगे चलकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप दोनों के बीच जज्बाती रिश्ते थे। जज्बाती रिश्ते? सर वो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट थी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपकी शादी हुई है? जी नहीं। तो सुप्रिया आपके घर पर भी आती? ये क्या बात है, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लड़की खेल कूद में अच्छी नहीं थी उसमें आपको इतना इंटरेस्ट क्यों? खेल कूद में अच्छी नहीं, ये आपसे किसने कहा? अरे वो बहुत अच्छी प्लेयर है और ये इंटर स्कूल फुटबॉल मैच भी हमने उसी की वजह से जीता। I'm sorry, पर मुझे जाना। ठीक है, सुबोध नजर रखना इसे। सर। कल कोर्ट में जिन लोगों को हाजिर करना है उनको वक्त पर लेकर जाना। जी सर। हेलो सर, मैं पोंडा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अल्फ्रेड बोल रहा हूँ। बोलिए। आपने जो मिसिंग कंप्लेंट सर्कुलेट करवाई है, लगभग वैसी एक लड़की की लाश हमारे इलाके के एक तालाब में मिली है। सर लाश की हालत देख के तो इसे पहचानना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, पोंडा पुलिस से फोन, उन्हें एक लड़की की लाश मिली है, राधिका और दयानंद को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर मेरे बेटी दुकड़ा नहीं है। hey, तुम्हारा बेटा ये तुम्हारा बेटा चुपरा का लाश नहीं है। बुलेट को बोलो, बोला हमारा बेटी दुकड़ा नहीं है। चलो हमारा बेटी नहीं है ये। सर एक बात समझ में नहीं है, लाश देख के मां राधिका फूट फूट के रोने लगी, लेकिन बाप दयानंद ने लाश को नहीं पहचाना, पर राधिका पे भी दबाव डाला कि वो लाश को ना पहचाने। राधिका और दयानंद का डीएनए इस बॉडी से मैच करा। एक बार वो घर छोड़ के दादी के पास गई थी। सुप्रिया जब पहली बार घर से भागी थी तो अपने दादी के पास गई थी, दादी से मिलकर पता लगाते थे। सुप्रिया के माँ बाप ने पोंडा लेक से मिली लाश को सुप्रिया की मानने से इनकार कर दिया था। अब पुलिस के सामने इस लाश की शिनाख्त का प्रश्न सर उठाए खड़ा था, आखिर ये लड़की थी कौन? आ लाओ ट्रॉफी दो। कितना अच्छा ट्रॉफी, अपा को बता रहे था इसका वेट बहुत है बेटा, इसका थोड़ा वजन कम करता है। ठीक है बर्बाद करके टूर्नामेंट के पीछे जाता है। हाँ राधिका, जो बच्ची माँ बाप को बताया भी टूर्नामेंट खेल सकता है वो सब कुछ कर सकता है, इसका नजर नहीं तुमको। आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाएगा, घर में रहेगा, जिम में पढ़ाएगा तुम्हारे को। अगर इसका रिजल्ट में कुछ भी कमाया तुमको छोड़ेगा नहीं। पढ़ाई लिखाई सब बंद। क्या सुप्रिया यहाँ आई थी या उसने आपको कॉल किया था? ना ही उसका कॉल आया था ना ही वो खुद आई थी। अच्छा, सुप्रिया जब पहली बार भागकर आपके यहाँ आई थी क्या वजह थी? मेरा बेटा भी ना,
अजीब संकी इंसान है, तरह तरह के अंकुश लगाता है अपनी बेटियों पर। सुप्रिया भी इन्हीं से परेशान होकर मेरे पास आई थी। अच्छा सुप्रिया जब आपके यहाँ आई थी, ऐसी कोई बात है जो आपको याद हो? नहीं। हाँ याद आया, एक लड़का उसको मिलने आया था, उसका नाम प्रभाकर। तुम पागल हो क्या? भागी क्यों? तुम्हें और क्या करती? अप्पा ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था और मुझे वहां से भागना पड़ा। अरे बट तुम सुप्रिया, कौन है ये लड़का? अभी मैं प्रभाकर हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम हो कौन? अभी मैं सुप्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें उसकी उम्र मालूम है? पता है दादी, इसलिए मैं उसके बालिग होने तक का इंतजार करूंगा। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं समझूंगा कि मैं उसके सपनों को पूरा करने के लायक ही नहीं था। शादी करना इसका सपना है? नहीं, उसका सपना फुटबॉल खेलना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा अगर मैं उसके सपनों को पूरा करने में मदद कर पाऊँ। क्या दयानंद सुप्रिया के अफेयर के बारे में जानता था? मुझे नहीं मालूम। ये प्रभाकर कहाँ रहते हैं पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या ये प्रभाकर है? जी नहीं। ये भी नहीं है। प्रभाकर का चेहरा याद है आपको? बिल्कुल याद है। स्केच बनवा सकती है? जी हाँ। डॉक्टर आप पैसों की फिक्र मत करो, सिर्फ उपाय सोचो कि काम कैसे होगा। यस्मिन? जी डॉक्टर। इनका सैंपल किसी दूसरे लैब में भेज दो। ओके, अभी भेज देती हूँ। प्रभाकर का स्केच रेडी हो गया। इस स्केच को सुप्रिया के माँ बाप को दिखाओ और स्कूल के आसपास भी पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा हो। सर। साहब ये तो प्रभाकर है, पार्शटेक में रहता है। इधर इसे जानते हो? ये तो सुप्रिया है। कहाँ ही है? मैं नहीं जानता सर, सब ठीक तो है? सुबह सब सर क्या हुआ? ए, सर सब ठीक तो है? सर क्या हो रहा है? सुप्रिया ठीक तो है? बता दे। सुप्रिया अपने घर से गायब है। सुप्रिया गायब है सर? जानती हो कहाँ है वो? नहीं सर मैं नहीं जानता, मैंने तो उसे मिलने ही छोड़ दिया था। क्यों? क्या बताऊं सर, हालांकि मैं उसे 10 साल बड़ा हूं लेकिन मैं उसे प्यार करता हूं। और मैंने उसकी दादी से भी जाकर बात की थी लेकिन जब ये बात उसके पापा को पता चली तो अपने भतीजे चिन्मय के साथ मुझे मारने के लिए आ गए। वो तो भला हो उन लोगों का जो वक्त पर आते, वरना वो लोग तो मुझे उसी दिन मार देते। सर मैं बहुत डर गया हूँ, इसलिए मैं तो अपना किराए का कमरा भी छोड़ दूँ, ना जाने कल को क्या हो जाए। सर आप ये देखिए सर, कल ही चिन्मय मेरे घर के आसपास मंडरा रहा था, मेरे पड़ोसी ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके दिया। सुबोध ये वीडियो ले लो। वैसे तुम कल कहाँ थे? सर कल मैं अपने घर में बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हमें एक लाश मिली है फोंडा में,
हमें शक है कि वो सुप्रिया की लाश है। सब मुझे सुप्रिया ने कई बार बोला था कि उसका चेहरा भाई चंद में उसे बहुत तंग करता है। तुमने चिन्मय के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो बहुत गंदा लड़का है। चचेरा भाई है मेरा। अप्पा उसके ऊपर आग बंद करके पूरा विश्वास करते। ऐसा क्या किया उसने? सुन, जीता जब आएंगे ना, उनको सब बता देना। हाँ, फिर मैं देखता हूँ किस पे ज्यादा भरोसा रखते, मेरे पे तुम लोग। ये बात तुमने अपनी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताई? हमारे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अप्पा हमारी बात नहीं मानेंगे। जी बोलिए। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या? जी सर। ठीक है, ले जाइए सर। अगर वो बॉडी सुप्रिया की है तो ये ऑनर किलिंग का केस हो सकता है। जैसे ही दयानंद को पता चला कि सुप्रिया प्रेग्नेंट है, उसने सुप्रिया को मारा और फिर चिन्मय को भेजा होगा प्रभाकर को मारने के लिए। सुप्रिया की शांत दिखने वाली जिंदगी में कई तूफान छिपे थे। क्या इन सब के लिए दयानंद जिम्मेदार था या खुद सुप्रिया? पहले तुमने अपनी बेटी को मारा, फिर चाचा भतीजा मिलकर प्रभाकर को मारने गए थे। झूठ है ये। मैं अपनी बेटी को जान से क्यों मारेगा? क्योंकि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। खुद की इज्जत बचाने के लिए तुमने उसे मार डाला। बंद करो तुम्हारा तहकीकात का नाटक। वो मेरे बेटे की लाश नहीं है। प्रभाकर के घर के बाहर तू कर क्या रहा था? मुझे चितप्पा ने भेजा था। मैं चिन्मय को उधर ये देखने के लिए भेजा कि सुप्रिया उधर है तो उसको वापस लेके आओ। तुम्हारे भतीजे चिन्मय ने अब तुम्हारी बेटी पर जबरदस्ती की है। तुम्हारी दहशत इतनी है कि वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई। तो तुम्हारी छोटी बेटी शिल्पी ने हमें ये सब कुछ बताया। अपनी कजिन बहन के साथ जबरदस्ती करता है। सब मैंने तुझे अपने बेटे की जरा समझा। अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए रखा तूने, उन पर गंदी लिखा डाली। मैं तुझे एग्जाम से मारूंगा। इसको छोड़ना नहीं। इसने किया है कुछ मेरी बेटी के साथ में। ले चलो इसे, चलो। डॉक्टर, क्या ये? क्या ये? अरे भाई, हॉस्पिटल है सर, धीरे बोलिए। क्या धीरे से बात करूं? नहीं नहीं, इस रोग में मानता ही नहीं। मुझे दूसरा रिपोर्ट चाहिए। काम डाउन, प्लीज प्लीज बैठिए तो सही। आपको जो रिपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। हम दूसरी जगह पर टेस्ट करवाएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ट्रस्ट मी। डॉक्टर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। क्या काम डाउन, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें? आओ बेटा, आओ यहाँ बैठे। क्या बोलूं सर, मेरे पति ऐसे ऐसे ही संकी नहीं हो गए। जब वो लोग कर्नाटका में रहते थे तो उनकी 14 साल की बहन थी सुगंधा, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। इसकी वजह से उनका फैमिली का बहुत बदनामी हुआ, तो कर्नाटका से सब कुछ छोड़ के यहाँ गोवा में आके सेटल हो गए।
उनके मन में हमेशा इस बात का गुस्सा रहा कि उनकी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। बस वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो, इसीलिए वो डीएनए रिपोर्ट आ गई। राधिका जी, आपके लिए गुड न्यूज है, जो लाश हमें मिली थी उसका डीएनए आप लोगों के डीएनए से मैच नहीं करता। इसका मतलब वो लाश सुप्रिया की नहीं। डीएनए रिपोर्ट से जब ये साफ हो गया कि तालाब में मिली लाश सुप्रिया की नहीं है, तो पुलिस एक बार फिर उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां से उसने तहकीकात शुरू की थी। सुप्रिया के जिंदा होने की खबर ने जहां दयानंद और राधिका को खुश कर दिया, वहीं उन्हें सुप्रिया पर एक खतरे की भी आहट महसूस होने लगी कि आखिर सुप्रिया अपने परिवार से दूर क्यों रह रही है, वो कहाँ है, किसके साथ है, किस हाल में है, और ये जो लाश मिली है ये किसकी है, क्या इस हत्या का सुप्रिया से कोई संबंध है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मामा हूँ, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मामा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? बेटा, स्टेट लेवल का फुटबॉल मैच है ना, उसी का मेडिकल कराना है। मेडिकल में ऐसा नहीं होता बेटा, स्टेट लेवल पर ऐसा ही होता है। ये देखो ना, कितने बड़े बड़े सिलेक्टर आए हैं, ये सर, ये मैडम। इंजेक्शन ही लगाऊंगी। बेटे बेटे, घबराओ मत, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा। नाम पिंकी, उम्र 15 साल, हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ। सुबोध, फोंडा पुलिस ने जो डिस्क्रिप्शन भेजा था वो ऐसा ही कुछ था ना? जी सर। कब से लापता है आपकी बेटी? पिछले सप्ताह ही मेरी बेटी ने कॉल किया था, वो बहुत रो रही थी। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सर हुआ क्या, इसलिए हम यहाँ चले आए। साहब, हम उसके घर भी गए हैं जहाँ वो काम कर रही थी, विजेंद्र के यहाँ, उसने भी मना कर दिया कि मेरे घर में नहीं है। आप हमारे साथ फोंडा चलिए। बॉडी पर ये मिला था। बॉडी इन लोगों को हैंड ओवर कर दो और हम लोग विजेंद्र से मिलते हैं। सर, सब हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। हम लोगों ने उस पिंकी को 2-2.5 महीने पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? सब उसका काम धाम में मन ही नहीं लगता था। हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोबाइल पे बातें करती रहती और किसी भी वक्त उसके पास चली जाती थी। और तो और सर, एक बार जब हम 2 रोज के लिए बाहर गए थे, वापस आकर देखते हैं कि वो हमारे बेडरूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोई हुई थी। हमने तो उसे उसी समय धक्के मार कर निकाल दिया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। वो लड़का जो उस दिन पिंकी के साथ था, अब उसकी स्केच बनवा सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बनवा सकते हैं। कंपटीशन में लेके जा रहे हो, आपने मुझे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहां आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? अरे तू चिंता मत कर, स्टेट लेवल पे फुटबॉल खेलने का ये प्रोसेस है, इसके बाद देखियो कैसे पूरी एनर्जी के साथ खेलेगी तू। Oh, Mama!
हुआ? यही था वो? हाँ यही है। बेटा देख, हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सब ठीक कर देंगे। थोड़ा सा छोड़ दो बेटा। हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, घबरा नहीं, कोई घबरा नहीं, मैं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? अजीत तो है ना? तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। पर वो मर तो नहीं जाएगी ना? इस पर इतना पैसा खर्चा किया है, बचाना तो पड़ेगा ही। The number you are trying to call is currently switched off. ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। सर इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड, इससे पता चला है कि वो किन किन लोगों से रेगुलरली बात किया करता है। ठीक है, इन सबसे बात करो, किसी को तो उसके बारे में पता होगा। सर क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर, तुम लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। शांत हो जाइए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं भाई आप शांत हो जाइए, पेशेंट। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने? ये लो ये लो ये लो और लो और लो। अरे अरे अली भाई, पैसे वैसे तुम बात की बात है, लेकिन आपका काम हो जाए यही हम चाहते हैं बस। लोकेशन ट्रेस हो गया, गोकुलवाड़ी मेन टावर। इसके पहले कि वो लोग अपना लोकेशन चेंज करें, उठाकर लेकर आते हैं उन्हें। तुम्हारे उम्र की लड़की किसी के भी झांसे में आ गई, कोई भी गलत कदम उठा, इधर गोवा में आए दिन किसी ना किसी बीच पे किसी लड़की का लाश मिलता है, नहीं तो किसी होटल में, नहीं तो किसी होटल में। शाबाश, कल मैच है, कल थोड़ा जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें मैच से पहले कुछ जरूरी टिप दूँ। मैं सुप्रिया से शादी करना चाहता हूँ, शादी करना, और मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा अगर मैं उसके सपनों को पूरा करने में मदद करूंगा। तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त, और तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हो गया सब कुछ, अब मैं जाऊँ। मैंने बहुत कोशिश की बाप बनने की, बहुत पैसा खर्चा किया, अब दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं अपने दम पर बाप बन सकता हूँ। डरो मत, डरो मत, बिल्कुल बिल्कुल डरो मत। इतनी जल्दी हार मान गई? तेरे तो अभी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं।
मैंने बड़ी उम्मीद से इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीती थी। मेरा सपना था कि मैं स्टेट लेवल के लिए खेलूं, पर मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं था। ऐसी हालत में मुझे प्रभाकर मिला। उसने कहा कि वो मुझे स्टेट लेवल टीम में जगह दिलाएगा और मैं उस रात अपने घर से भाग गई। मैं सीधे प्रभाकर के घर चली गई और प्रभाकर मुझे उसी वक्त मनोहर के घर ले गया। कहने लगा कि मैं कुछ दिन वहाँ रहूं। उसने कहा कि मेरे अप्पा उसका घर जानते हैं, इसलिए हमें पुलिस की मदद से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन प्रभाकर सिर्फ मेरा फायदा उठाता रहा। उसने शादी की बात करके मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया। फिर स्टेट लेवल टीम में खेलने के बाद उसने मुझे किसी के रैकेट में फंसा दिया। मैंने उस पर भरोसा किया था पिंकी को क्यों मारा? क्योंकि विजेंद्र ने मुझे और पिंकी को एक साथ बिस्तर पे देख लिया था, इसलिए उसने पिंकी को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं पिंकी को सैरोगेट मदर बनाना चाहता था, पर वो इनकार कर रही थी। कई वक्त तक मैंने उसे अपने कब्जे में रखा, लेकिन वो एक दिन मेरे चंगुल से बाहर निकल गई। अगर वो भागने में कामयाब हो जाती तो हम सबको रेप के चार्जेस में जेल भिजवा, इसलिए मजबूरन उसे मारना पड़ा था। सरोगेसी तो नॉर्मल चीज है, उसके लिए इन मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद की। हम ऐसी लड़कियों को टारगेट कर रहे थे जिन्हें पैसा ना देना पड़े। हम चाहते थे कि उनको मिलने वाला सारा पैसा हम आपस में बांट ले। साथ मिलकर काम किया था ना, तब सजा भी साथ मिलकर ही काटना और मार भी साथ में ही खाना। जाओ शुरू हो जाओ। सुबोध, उस हॉस्पिटल को सील करो, जितने भी डॉक्टर्स इस केस में इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट करो। सर। मैं तब समझ नहीं पाई कि मेरे अप्पा जो कहते थे वो निराधार नहीं था, बस उनका तरीका थोड़ा गलत था। पर वो अपने प्यार में समझ नहीं पाए कि भला चाहने में और अंकुश लगाने में कितना फर्क होता है। और मैं अपनी मनमर्जी करने में ये समझ नहीं पाई कि हमारे माँ बाप जो कहते हैं उसका एक इतिहास होता है और वो इतिहास हमें पता नहीं है। जिंदगी के आंधी और तूफान को हमारे माँ बाप हम तक पहुँचने नहीं, वो हमारी ढाल है, हमारे रक्षक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।